परमेश्वर भगवान की मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि और यहाँ पधारे पर्यावरण प्रेमियों को मेरा नमन प्रणाम। जैसा कि आज यहाँ ग्लोबल ग्रीन 365 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोग्राम किया जा रहा है और हम सभी अवगत भी हैं कि आज के समय में पर्यावरण के लिए कितनी दुविधा हमारे सामने आई हुई है। तो हमारे समाज का जो ये बलिदान, विश्व का पहला ऐसा बलिदान था जिसमें 363 पर्यावरण प्रेमियों ने अपना बलिदान दिया। इसके बाद जो उत्तराखंड का चिपको आंदोलन हुआ वो उसके बाद का दूसरा बलिदान था। मेरा मानना यही है कि हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पर्यावरण के लिए कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज की कमी जरूर दिखती है कि विश्व का पहला बलिदान जिसमें 363 पर्यावरण योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कम है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने कामों में व्यस्त हैं और अपने समाज को जो रिप्रेजेंट करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा। अभी 2021 में मध्य प्रदेश में बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान हुआ जिसमें वहां छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगलों में कम से कम 2.5 लाख पेड़ काटने का सरकार ने वहां की फरमान जारी किया। तो अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े, अपने समाज से भी बहुत लोग जुड़े और उस अभियान में, उस आंदोलन में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कार्य किया। वहां के स्थानीय लोगों को जाकर मिले, वहां के लोगों को अवेयरनेस भी दी कि भाई पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। तो उसके बाद एनजीटी में केस भी हुआ और आज वो पर्यावरण, वो जंगल उन लोगों की वजह से, सब अलग अलग राज्यों के लोगों की वजह से आज वो जंगल हमारे सामने सुरक्षित है। ये क्यों हुआ? क्योंकि यूनिटी। अगर हमारा समाज एक प्लेटफॉर्म पर आकर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है सब लोगों का अपना अपना कार्य है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए तो समाज एक प्लेटफॉर्म पर आ ही सकता है। तो मेरा तो यही कहना है कि आज हम पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं हमने, तो वो कहीं ना कहीं आप ठीक है अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सपोर्ट करें, लेकिन समाज की जब बात आती है तो सबने एक साथ खड़े होना है। तभी हम 363 जो बलिदान हुए हैं उनको एक समाज में, उनको देश में और विदेश में एक नई पहचान दे पाएंगे। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा यूनिटी का ही, कि क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसा कि ये प्रोग्राम आज है इसमें समाज को देखा जाए तो संख्या बहुत कम है, जबकि सबको पता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, समाज को एक नई पहचान दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। कम से कम अगर हम वो नहीं कर सकते तो उनको सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। मैं एक दूसरा वाक्य आपको बताना चाहूंगा कि अभी पर्यावरण संरक्षण के चक्कर में सरकार कहीं ना कहीं विनाश, विकास के नाम पर विनाश की पद्धति को लेकर चल रही है। हो सकता है कि कुछ जगह ऐसी हो जहां वो विकास जरूरी भी हो, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कोई प्रोजेक्ट नए आते हैं और वो फिर पेड़ों की कटाई शुरू हो जाती है। जैसा हाल ही में अभी आप देख लीजिए फलोदी शहर, फलोदी का भी आपके सामने केस है। अभी लेटेस्ट में आपको बताऊं कि 15 मई को हमने राष्ट्रीय जंगल और प्रकृति बचाओ अभियान की तरफ से धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली में जंतर मंतर। वो मेन उसका उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत की जैव विविधता और मध्य आपका छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जो जंगल है उनमें भी सरकार ने विनाश के नाम पर, विकास के नाम पर विनाश की पद्धति चलानी शुरू कर दी है। क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट के वहां कोल माइंस हैं जिनकी वजह से वहां कम से कम 5 लाख पेड़ों की कटाई का फरमान सरकार ने जारी कर दिया था। तो उसके लिए भी हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे, हमारे साथ उपस्थित है आर के विश्नोई सर, राकेश जी हैं और भी कई सारे सदस्य थे जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई जंतर मंतर पर और लोगों को जागरूक किया। हमारे उस जंतर मंतर के प्रोग्राम में हमने महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और पर्यावरण मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया जिसमें संपूर्ण भारत की जैव विविधता और भारत पॉइंट थे, जिनमें
बातें और मैं बताना चाहूंगा आपको। नेपाल में 2021 में नेपाल गवर्नमेंट ने पर्यावरण योद्धा सम्मान समारोह रखा, उसमें मैं भी गया था, अपने बीच में राकेश बिश्नोई जी हैं वो भी गए थे, वहां भारत से कम से कम 60 लोग गए। वहां जब मैंने अपने समाज के बारे में बताया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वहां 60% लोग ऐसे थे जिनको समाज के बारे में पता नहीं था, और उनको जब बताया गया कि विश्व का पहला ऐसा चिपकू आंदोलन हुआ वो बिश्नोई समाज ने ही किया, तो लोगों को सुनकर बहुत खुशी हुई, और उन्होंने मेरे से ये भी कहा कि आप इसके ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्री है वो हमें भेजें, हम इसको अपने लोकल एरिया में बच्चों को बताएंगे, बड़ों को इसके सामने रखेंगे। तो यही चीज है कि हम लोग कुछ ऐसा कार्य करें जो समाज का नाम हो, और जो 363 पर्यावरण प्रेमियों ने जो बलिदान दिया वो बलिदान समाज को पता चले, राष्ट्र को पता चले। तो इसी के लिए मैं सभी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब जहां भी समाज का कुछ भी कार्य हो रहा है या समाज के लोगों के लिए जो भी कार्य किया जा रहा है उसमें अपने भागीदारी दें। एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं पर्यावरण को संबोधित करूंगा। करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, इतनी खुशियां बांटो सबको हर दिन पर्व दिखाई दे। हरे वृक्ष जो काट रहे हैं उन्हें खूब धिक्कारो, हरे वृक्ष जो काट रहे हैं उन्हें खूब धिक्कारो, खुद भी पेड़ लगाओ इतने धरती स्वर्ग दिखाई दे, खुद भी पेड़ लगाओ इतने धरती स्वर्ग दिखाई दे, करके ऐसा काम दिखा दो हर दिन पर्व दिखाई दे। कोई मानव शिक्षा से भी वंचित नहीं दिखाई दे, सरिताओं में कूड़ा करकट संचित नहीं दिखाई दे, वृक्षरोपण पर्यावरण को संरक्षण ऐसा करना, दुष्ट प्रदूषण का भय ऊपर किंचित नहीं दिखाई दे, करके ऐसा काम दिखा दो हर दिन पर्व दिखाई दे। हरे वृक्ष से वायु प्रदूषण का संहार दिखाई दे, हरियाली और प्राण वायु का बस अंबार दिखाई दे, जंगल के जीवों के रक्षक बनके तो दिखला दो जिसके सपनों प्यारा प्यारा ये संसार दिखाई दे, करके ऐसा काम दिखा दो हर दिन पर्व दिखाई दे। वसुंधरा पर